सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आप लोगों को पीएम असम 05 ब्लॉग की तरफ। तो गाइस, आज सुबह जल्दी उठाओ क्योंकि आज बाहर जाने का प्रोग्राम है ट्रैकिंग के लिए। और गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि और आप लोगों को तो पता ही है मेरा फेवरेट प्लेस कौन सा होती है। एक पहाड़ों पे एक हिल एरिया पे घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो आज फाइनली फिर से जाने वाला, और आज ऐसे जगह पर जाने वाला बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और साथ साथ आप लोगों को भी वहाँ तक लेके जाने वाला। इतना सुबह जल्दी तो मैं कभी उठा नहीं हूँ। आज फर्स्ट टाइम 6 बजे उठा होगा, इस फर्स्ट टाइम। और अभी हमारा गाड़ी भी आने वाली है, गाड़ी बुक किया हो हम लोग टैक्सी, तो टैक्सी भी आने वाला है। कॉल करके बोल रहा था कि आ ही रहा है, रास्ते पे ही है शायद। आज संडे है, और संडे के दिन थोड़ी देर तक सोते हैं लोग, क्योंकि संडे को ड्यूटी नहीं होते। और संडे का दिन गाइस, मैं सुबह 6 बजे उठकर रेडी वगैरह हो चुकी हूँ। तुम्हारा भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। और गाइस, बहुत ही धमाका होने वाला है, और पहाड़ों पे चढ़ेंगे गाइस, पहाड़ों पे चढ़ने वाला हूँ आज, और बहुत ही अच्छा लगने वाला है गाइस। मैं जाऊँगा और मेरे साथ एक दोस्त जाने वाला है, हम दोनों ट्रैकिंग करने वाला हूँ गाइस। लाइफ में फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे चढ़ने वाला हूँ, मतलब एक पहाड़ नहीं, 60-60 पहाड़, मतलब 7 पहाड़ से ऊपर हम लोग ट्रैकिंग करने जा रहा होगा। इस आप लोगों को भी लेके चलने वाला। और वीडियो स्किप ना करे, पूरा देख लेना। वहां पर जो भी होता है जैसे भी है पूरा दिखाने का कोशिश करूंगी। रेडी आरो सोता बजी का सुपांगलो के गाड़ी गुपुंग एवं गाड़ी बुक टगाय मईम और लगते पहाड़ी इलाका लो तुंग टू आई रूप आई पम मदाक माने गगो नमम गोती केलो सिलोंगलो पहाड़ माने पहाड़ बार कोल गिए एक जाबो मा माने सात जाब पहाड़ कोंगलो बार कोल गुपम ना लेंदु अदक किला आई रूप म पदुंग माने मईम सिन युमी आतम अदक लगा मंकलो अदिलो रकम जेबो नदिलो रकम जेबो नम नंग आसिन जे मलुंगाय फाइनली सुपा रकम काबो सुपांगलो के गाड़ी सिन गाय एवं अदक कोलो नुलुम गुबय अपंगम अपंगम लंकान जे का विदाक जे जेगले अदक के ngosin आई रूप म पदुंग गबेयम ना अदक के लगते वीडियो से स्किप मत। आप का लुलांग का विदाक जी ओको को लेंडक जी आप एकदम लंकान पर अमना सेस्ता है गोटी के लोई मुलु सुपाक रूम सब का ग्लेन जबों गारिया सिन गपिरुवो। और गाइस, आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, और अभी 15 अगस्त भी आ रही है, तो उसके वजह से हम लोग भी लगा के रखा है यहाँ पर इंडिया फ्लैग, हमारे इंडिया के झंडा। तो गाइस, आप लोगों को भी लगाना जरूरी है, और घर पे भी लगाइए और अपना दिल पे भी रखिए, और यहाँ पर भी पहन के रखा हो गाइस। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। और सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपना देश है, खुद का देश है, तो दिल में रखिए और झंडा भी लहराइए आप लोग सभी खुशी से। और गाइस, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, स्पोर्ट्स का ही पहना है क्योंकि हम लोग ट्रैकिंग करने वाला हो, तो जीन्स वगैरह पे पहन कर हम लोग वहाँ तक जाएंगे तो हम लोग पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाएंगे, तो उसके वजह से हम लोग स्पोर्ट्स का ही पूरा पहनिए। और मेरा दोस्त तो वहाँ निकल गई है, और सुबह जल्दी उठना तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। और हम लोग अभी रूम से निकल रही हूँ, बैग वगैरह सब रेडी हो चुकी है, ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाना है वहाँ तक, और बस ऐसे ही कुछ सामान वगैरह जो ज़रूरत है, और कैमरा वगैरह भी लेके आओ, वो बैग तो दोस्त ने लेके गया। और हम लोग अभी निकल रही हूँ रूम से गाइस, और दोनों रेडी यहाँ पे, उसके पास कैमरे के बैग है और मैं ये दूसरा वाला बैग पहन के रखा हूँ गाइस। अभी हमारे गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को भी साथ साथ लेके चलते हैं। ओ भाई, और गाड़ी पे हम लोग बैठ चुके हो, अभी निकलने वालों यहाँ से, और यहाँ से वहां तक जर्निंग कैसे रहेगा पता नहीं गाइस, अच्छा लगने वाला है मेरे हिसाब से। और सुबह सुबह चलो, और ये दोस्त बैठ गई है पीछे, मैं आगे की सीट पे हूँ, ड्राइवर आना दोनों। और गाइस, आप लोगों को अभी दिखाने वाला वेरिंग वेलिंगिरी हिल्स। 6 बज चुके, 6:30 बजे, अभी 6:30 बजे हम लोग रूम से अभी रवाना हो रहे हो गाइस, वहां तक कम से कम 1.5-2 घंटा तो लगने ही वाला है, और तब तक हम लोग थोड़ा आराम करते है गाड़ी पे ही, और वहां पे आप लोगों को दिखाते हैं। और गाइस, हम अभी पहुंच चुकी हूँ वेलिंगिरी पहाड़ की तरफ, पहाड़ के मतलब ऊपर तक पहुंचा नहीं, अभी नीचे की तरफ आ चुकी है, अभी गाड़ी से उतरा, और यहाँ पे बस भी आती है,
लेकिन बस एनी टाइम नहीं मिलते, कभी टाइम टाइम पे मिलती है। आते समय बस मिलेगा तो बस पे जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर से गाड़ी बुक कर कर हमें यहाँ से निकलना है। और गाइस हम लोग अभी यहाँ पे अंदर मंदिर है, मंदिर दर्शन करना है पहले गेट की तरफ हूँ, और अंदर जाके दर्शन वगैरह करके हमें पहाड़ों पे चढ़ना है। मंकी वगैरह भी यहाँ निकल रहे थे गाइस बहुत सारा, और आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ ऊपर चढ़ने की, और पहले जाकर मंदिर दर्शन कर लेते हैं। मंदिर तो दर्शन करके आ चुकी हूँ, और यहाँ पे अभी एक कंडीशन है, बहुत ही मुश्किल हो गया गाइस, क्या करें अभी। मैं जो रूम पे जो सोच के आया था वो तो हो नहीं पा रहे यहाँ पे, फिर भी परमिशन लेके पूछते हैं कि जाने देगा कि नहीं, और बोल रहा है कि शिवरात्रि के समय पे ऊपर जाने देते। और हम लोग जो नेट पे सर्च करके देख के आया था तब तो ऐसे लिखा नहीं था, उस वजह से हम लोग आ गए यहाँ पे देखने के लिए और ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि शिवरात्रि के समय पे ऊपर जाने देते, अभी अलाउड नहीं है करके। पूरा यही से ऊपर जाना था, और यहाँ ऊपर देख रहे हो वो सीढ़ी वगैरह था, ऊपर से ऊपर जाता वहां से। और अभी यहाँ पर गेट वगैरह पूरा बंद करके रखा है, लॉक करके रखा है, फिर भी एक बार पूछते हैं बहुत दूर से आया हो करके, परमिशन लेकर देखते हैं, पूछ के देखते हैं, और आप लोगों को बताते हैं क्या कहता है। और गाइस परमिशन तो मांग कर देखा, पर बोल रहा है कि अभी यहाँ के जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्टर वगैरह है, वो लोग बोल रहे हैं कि उसका भी एक जिम्मेदारी है यहाँ पे। और ये सात जाप पहाड़ों पे चढ़ना तो बहुत ही रिस्की है, तो गाइस ये लोग बोल रहा है कि शिवरात्रि के समय पे 3 महीने यहाँ पर ओपन होती है तभी जा पाएंगे, और इसके अलावा हमें अभी भेजने का जाने का चांसेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ अगर कुछ होगा, कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और हम लोग तो बोल रहे हैं बाहर से आया है, इतने दूर से आया, बोल रहे कि वो भी सही है, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अभी जाने वाला आदमी कोई नहीं है, मतलब 7 पहाड़ों पे चढ़ना वो भी सही है मेरे हिसाब से भी, वो तो मुझे भी सही लग रहा है, 7 पहाड़ों पे चढ़ना, और हम दोनों ही चढ़ेंगे यहाँ पे, तो किसी को अलाउड करेंगे नहीं। हम लोग बाहर से आया करके ठीक है मान लिया तुम दोनों ही चलो, लेकिन वहां पर कोई नहीं है, अभी ऊपर 7 पहाड़ों के अंदर कोई नहीं है, मतलब अगर वहां पर कुछ हुआ तो हम लोगों को ढूंढने के लिए भी नहीं जा सकता, इसे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गाइस ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा। और यहाँ के जो मंदिर वगैरह होती है वही आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगी, और गाइस यहाँ के मंदिर वगैरह देख लेना कैसी है। और गाइस जो 7 पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जगह है वो यहाँ से स्टार्ट होते है, यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाना है, और ऊपर गेट है, ऊपर गेट से लेके ऊपर तक चढ़ना है, मतलब 7 पहाड़ों पे चढ़ना है आपको। तो गाइस शिवरात्रि से 3 महीने ओपन रहता है यहाँ पे, और उस 3 महीने पे आओ आप लोग, और दूसरे समय पे मत आओ क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं करेंगे आप लोग। इसका नाम जो है आप लोगों को तो मैं बता ही दिया था, वेलियनगिरी हिल्स। तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहते है तो शिवरात्रि के समय पे आओ, तभी आप ऊपर चढ़ पाओगे, उसके अलावा आप लोग चढ़ नहीं पाएंगे। उसके अलावा मतलब दूसरे समय पे, अगर दूसरे महीने पे आते आप लोग, यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी ऊपर जाने की। और यहाँ पर आकर आप लोग यह मंदिर वगैरह दर्शन कर सकते हो, और ये मंदिर हम लोग दर्शन कर लिया हूँ, और यहाँ पे इसे बना के रखा है साइड में नीचे, ये भी पहाड़ों के ऊपर है, फिर भी हमें 7 पहाड़ों पे चढ़ना था गाइस, बहुत ही अच्छा लगने वाला था तब, और मेरा मन अभी भी शांति नहीं मिल रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सोच के आए थे हम लोग वो नहीं कर पाए। तो गाइस
बहुत ही मतलब ऐसा मन ऐसा कर रहा है कि मुझे वीडियो बनाते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग नींद भी पूरी नहीं हुई, इतना सुबह उठकर वीडियो बना रहा था, इतना सुबह उठकर हम लोग आ गए थे यहाँ पे हम लोग चर पाएंगे करके, और गाइस कुछ भी नहीं कर पाया, तो बहुत ही दुखी हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। और ये भी देखो पहाड़ों के अंदर है, तो गाइस इससे भी हम लोग साथ जा पहाड़ों पे चढ़ने का मन करके आए थे गाइस। और यहाँ पर देखो मंकी वगैरह बहुत सारे यहाँ पर पहाड़ों पे, तो आप लोगों को पता ही है मंकी 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 आजा आजा आजा, यहाँ पर मंकी वगैरह बहुत सारे होती है और बहुत सारे है। और ये है हमारे बलीनाथ के शंकर के जो त्रिशूल है, और गाइस इस साइड पे देखो मंकी मंकी है गाइस, बहुत सारे मंकी है देखो, ओ माय गॉड, इसको भी आजकल मतलब देख पाना मुश्किल है मंकी वगैरह भी, क्योंकि हर जगह पे दिखाई नहीं देता, देखने को नहीं मिलते। फिर भी गाइस वीडियो बनाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा गाइस, क्योंकि हम लोग ऊपर जा नहीं पाए इस वजह से, कितना उम्मीद करके आए थे हम लोग पर ऊपर जा नहीं पाए। ये देखो मंकी, तो देखो इस पहाड़ों पे हम लोग को चढ़ना था ऊपर की तरफ, इससे पार होकर और भी 6 पहाड़ है चढ़ना था, लेकिन अभी चढ़ नहीं पाएंगे गाइस। और गाइस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो बनाते हुए, बिल्कुल वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा है अभी, कि जो हम लोग सोच के आए थे वो तो कर नहीं पाए, इतना सुबह सुबह हमारा उठने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ गाइस। देखो ऐसे भी होते, यही मंदिर था, ये दर्शन कर लिया अभी, और अभी जाना है यहाँ से और थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर आसपास में, ये भी पहाड़ के ऊपर ही है, तो आसपास में देख लेते हैं क्या है कैसी है, और आप लोगों को दिखाते हैं। और गाइस देखो यहाँ पर जो भी पानी आ रही है वो पूरा ऊपर से ही आ रही है, पहाड़ के ऊपर से ही, तो गाइस देखो यहाँ तक पानी आती है इसे नीचे तक, ये जितना भी पानी आ रहा है ये सारे पानी एकदम पहाड़ों के ऊपर से आ रहे। और गाइस पानी देखो पूरा ग्रीन कलर मतलब ब्लू कलर हो गया पानी, और यहाँ से सीधा नीचे तक जाएंगे ये पानी। गाइस मुझे बहुत ही मन था ऊपर जाने का पर जा नहीं पाया, जाने को मौका नहीं मिला, और यही था पहाड़। और यहाँ के घर वगैरह देख रहे हो गाइस कैसी बना के रखा है, एकदम मतलब इसका हाइट इतना छोटा करके रखा है, आदमी रहते कैसे है पता नहीं चल रहा, पहाड़ों में तो घर ऐसे ही बनती है पर ये ज्यादा छोटा लग रहा है हाइट में। और गाइस क्या करें, हमें यहाँ से अभी जाना है, ऊपर तो जा नहीं पाया, कितना उम्मीद लेकर आए थे पहाड़ों पे हम लोग जाएंगे पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, बहुत ही मन नहीं लग रहा वीडियो बनाने का, फिर भी क्या करें, आप लोगों को तो बताना जरूरी है कैसे हुआ क्यों हुआ किस वजह से हुआ है ना। तो गाइस हम लोगों को यहाँ से अभी रिटर्न होना है ये बस स्टॉप पे, ये भी टाइम टू टाइम गाड़ी मिलती है, और अगर शाम को ज़्यादा लेट हुआ तो गाड़ी मिलना मुश्किल है, और हम लोग टैक्सी में आए थे, अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर से जो भी करना है करेंगे। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, मेरा मन में कैसा होना चाहिए, इतना उम्मीद लेके आए थे लेकिन ऊपर चढ़ नहीं पाए। और गाइस आप लोगों को तो पता चला होगा वीडियो कैसा हुआ, इतना उम्मीद लेकर मैं भी यहाँ से गए थे वहाँ पर कि वीडियो अच्छा से बनाएंगे और आप लोगों को भी साथ साथ दिखाएंगे करके, पर हो नहीं पाया, वीडियो अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था वहाँ पर अगर ऊपर चढ़ना है तो गाइस शिवरात्रि के समय पे 3 महीना खुला रहता है, एक साल में 3 ही महीने वहाँ पर खुला रहती है और लोग 9 महीने बंद रखती है। और अगर आप लोगों को किसी को वेलिंगिरी हिल्स देखने जाना है, पहाड़ पे चढ़ने जाना है, तो गाइस शिवरात्रि के समय पे ही आना, क्योंकि दूसरे समय पे अगर आप लोग आते हो तो कल मैं कैसे हुआ आप लोगों को भी वैसे ही होने वाला है। हाँ नीचे मंदिर है वो दर्शन करके आप जा सकते हो पर ऊपर जा नहीं पाएंगे, तो फिर भी कोई बात नहीं, वो बुला देते, और साथ साथ जो अगले नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो भी अच्छा करने का कोशिश करूंगी। और गाइस आज 15 अगस्त भी है तो मैंने सोचा आज वीडियो को खत्म करते, 15 अगस्त के दिन भी ये वीडियो मतलब पूरा नहीं आधा बना लेते, तो गाइस आज 15 अगस्त भी है, आप लोगों को तो पता ही है इंडिपेंडेंट डे आज
तो गाइस हमारे देश का स्वाधीनता दिवस जो है आज के दिन है 15 अगस्त को। और गाइस सभी अपने अपने घर में झंडा लहराना तो भूलिए मत, और साथ साथ अपने सीने पे भी रखना है जो हमारे इंडिया के आज इंडिपेंडेंट डे है, जो हमारा इंडिया का स्वाधीनता दिवस है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, झंडा लहराइए अपने अपने गांव पे, अपने अपने घर पे, और साथ साथ अपने दिल पे भी भारत माता की नाम रखिए याद करके। तो गाइस आज वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा दुख हुआ वीडियो अच्छा से बन नहीं पाया और आप लोगों को दिखा नहीं पाया। और गाइस ऐसे नए नए वीडियो पे आप लोगों को मिलते हैं, और मेरे चैनल पे कोई भी नया है तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए PM Assam 05 ब्लॉग को, और साइड वाला बेल आइकन को भी प्रेस करना है जब भी मैं नया नया वीडियो डालता हूँ आप लोगों तक पहुँच जाए। और गाइस यहाँ पे है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, अगर किसी को बातें करना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और यहाँ पर फेसबुक का आईडी है, यहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो और लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और 15 अगस्त के लिए जय हिंद जय भारत।